So it was so caste against, because generally he's such a nice, he's generally is a very nice human being. और उन्होंने आश्रम में कैसा बढ़िया तरीके से वो किरदार निभाया. I used to always admire in MS Dhoni कि भाई वो जब क्रिकेट मैच जीतते हैं या हारते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं भाई. सबके एक रिलीजेस होते हैं दिन में, इनकी दो दो फिल्में एक ही दिन में आती हैं, ठीक है. एक Z5 पे आ रहा है, एक जियो सिनेमा पे आ रहा है जी, एक लव स्टार आ रही है और दूसरे जगह हनीमून फोटोग्राफर आ रहा है. एब्सोल्युटली. किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो आप? नहीं, वो बहुत ही कठिन क्वेश्चन आपने आपने पहले ही क्वेश्चन बाउंसर मार दिया. बट आई एम एक्साइटेड फॉर बोथ, क्योंकि दोनों में मेरा किरदार है ना बहुत अलग है. इन लव सितारा इट इज़ अ वेरी स्वीट नाइस नॉन जजमेंटल राइटियस आइडियल सपोर्टिव पर्सन जो दूसरों के साथ एम्पथाइज करता है. और हनीमून फोटोग्राफर में बिल्कुल ऑपोजिट है. तो एज एन एक्टर मुझे बहुत पसंद आया दोनों किरदार निभाना, बिकॉज आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड कि मैं रेंज दिखा सकूँ अपनी एक्टिंग का. वो एक होता है हर एक एक्टर के अंदर ना, एक वो सेल्फिश रीज़न कि भैया मुझे ये भी करना है वो भी करना है. सो मुझे फाइनली इन दोनों प्रोजेक्ट से वैसा मौका मिला एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू गॉड, बिकॉज दोनों एक ही दिन में रिलीज हो रहे हैं राइट. तो ऑडियंस कैन सी मी एज दिस ऑल्सो एंड ऑडियंस कैन सी मी दैट ऑल्सो एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि भाई सब लोग देखें और उन दोनों कैरेक्टर्स को लाइक भी करें और दोनों के कॉन्ट्रास्ट को भी देखें और बोलें कि यार क्या बात है. बट दोनों ही फिल्में एक साथ शूट हुई थी या अलग अलग टाइम पे शूट? मतलब 6 महीने बाद. आपसे पूछना चाहूंगी उस कैरेक्टर से निकलने के बाद आपने इसको लव सितारा किया या पहले लव सितारा कर लिया था? पहले लव सितारा किया था. फिर ये किया तो फिर फोमो शॉर्ट्स का एक और मतलब सीज़न. तो मतलब पहले गुड, फिर अगली, फिर वापस यू नो नाइस कैरेक्टर पे घुसा था मैं. बट एक कैरेक्टर में घुसना और उसके बाद वहाँ से निकलना, वो कैसे प्रिपेयर करते हो एज एन एक्टर? वो आई थिंक अगर आप एटलीस्ट पर्सनली मैं अपनी बात कर सकता हूँ यहाँ पर कि इफ़ यू लाइक द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग ना, तो फिर आप कोई भी किरदार निभा रहे हो, वेदर इट इज़ गुड बैड और अगली, जितने भी इमोशंस आप पोर्ट्रे कर रहे हो एज अ ह्यूमन बींग आप खुश हो कि दैट एज एन एक्टर मैं वो सब कर पा रहा हूँ. सो इन इफ आई एम डिप्रेस्ड एज द कैरेक्टर, एज अ एक्टर आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यार ये करने का मौका मिल रहा है. सो इवन वेन लेट्स से माई कैरेक्टर इज गोइंग थ्रू इमोशनल टर्मोइल या किसी को मार रहा है पीट रहा है, कैरेक्टर वो कर रहा है, पर एज एन एक्टर तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि यार मुझे ये करने का मौका मिल रहा है. सो इट इज़ so tough to get in and get out, because agar aap ek hi cheez ko ek baar shoot kar rahe ho it is not so difficult. Obviously difficult tab hota jab main in dono ki shooting simultaneously kar raha hota, par aisa nahi tha. Also because ye jo character hai honeymoon photographer ka suspect hai, kya pata murder ho ya na ho, ye main aapko nahi bataunga, sab aapko dekhna padega right. So but वो किरदार मुझे इसलिए पसंद आया बिकॉज जनरली मुझे वैसे ऑफर नहीं किए जाते एंड फाइनली जब मुझे वो ऑफर हुआ आई इमीडिएटली सेड यस, बिकॉज उसमें पीटना मार धाड़ वो सब था और एक कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री थी उसमें एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू यू नो पोर्ट्रे सच पार्ट्स. मज़ा आता है इन दैट सेंस कि एक्टर कहते हैं ना फैलने का मौका मिलता है. सो आई एम ग्रेटफुल कि वो मिला. एंड चूँकि जब मैं हनीमून की शूटिंग कर रहा था आई रियलाइज कि मुझे इस कैरेक्टर के जोन में ही रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं सबसे हाय हेलो हंसी मजाक कर रहा हूँ और फिर मुझे यू नो शॉट देना है वो मुश्किल हो सकता है एटलीस्ट. और अगर मैंने ये प्रोफेशन चुना है इट इज़ बिकॉज आई लाइक टू बी डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स. तो अगर मुझे वो मौका मिल रहा है तो आई माइट एज वेल बी दैट कैरेक्टर ओनली ना. सो देन आई जेन्युइनली लव जस्ट बीइंग दैट. I used to take my space on set, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था और डरावना एक और था पर अंदर ही अंदर तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था राइट. एंड आई रिमेंबर आशा ने भी मुझे बोला और हमारे डायरेक्टर साहब ने भी बोला यार क्या डर लग रहा है तुझसे. तो एक बहुत ही वो तो एक कॉम्प्लीमेंट हो गया. सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि बिकॉज़ यू आर इनटू द कैरेक्टर्स. बट जैसे कि आपने भी बोला कि मुझे ऐसा ऑफर्स भी नहीं हो रहे थे, बट व्हेन यू से दिस क्या आपका एक इमेज या फिर ये बन गया था कि नहीं दिस टाइप ऑफ रोल्स ही हम राजीव तक लेके जाएंगे, ये काइंड शायद नहीं कर पाएगा? आई डोंट नो बट शायद नहीं कर पाएगा, बिकॉज जनरली क्या होता है कि
टाइम की कमी होती है राइट इफ इफ फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट टाइम इवन कास्टिंग इज अबाउट बेसिकली सब टाइम बिकॉज टाइम इज मनी सो आई थिंक क्या होता है कि बिकॉज इतने सारे एक्टर्स हैं यू नो मुंबई में तो जनरली अगर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक एक्टर से अगर उसकी फिजिकैलिटी या शक्ल या एटीट्यूड मिलती जुलती है देन आई थिंक द कास्टिंग पीपल एंड द डायरेक्टर्स टाइम बचाने के चक्कर में दे आर लाइक अच्छा हाँ ये तो इसी की तरह है दिखता है और थोड़ा बात भी कर तो इसी को रख लो बट आई थिंक इट टेक्स ट्रेमेंडस करेज एंड ट्रेमेंडस इमेजिनेशन टू रियलाइज कि नहीं यार मैं ना ही प्रॉबेबली कैन डू दिस वेरी वेल एंड आई थिंक समटाइम्स इट वर्क्स वंडर्स बिकॉज सपोज आप एक कैरेक्टर को कास्ट अगेंस्ट टाइप करते हो है ना इट वर्क्स वंडर्स सो लाइक इफ यू कास्ट समबडी हु इज ऑलवेज लाइक बॉबी सर ही वाज कास्ट इन आश्रम So it was so cast against type because generally he's a nice, he's generally is a very nice human being. और उन्होंने आश्रम में कैसा बढ़िया तरीके से वो किरदार निभाया. So I think that is what. और उनके सामने आप emotional बातें कर दो. Make sure कि उनके आँखों से नहीं आंसू निकले ना. तो ताना है वो he's very emotional as a person. No, and he's very sweet and very easy and I think वो project definitely इतने अच्छे लोग साथ में हमने काम किया ना. It was just pleasure. But Rajeev, when did you get to know that कि अब मैं फेमस हो गया हूँ वो रियलाइज किसने करवाया फर्स्ट आश्रम एंड फोमो शॉर्ट्स क्योंकि साथ में दोनों लगभग साथ ही में रिलीज हुए थे एंड जनरली व्हेन मोस्टली पीपल्स आश्रम और फोमो शॉर्ट्स और बाकी फिर 100 एक हॉटस्टार का एक बहुत ही बढ़िया शो है जो ज़्यादातर लोगों ने अभी प्रॉब्ली देखा है पर आश्रम जितना नहीं देखा होगा बट आई थिंक इट्स आश्रम बिकॉज जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर सब लोग पूछते हैं अगला सीजन कब आ रहा है एयरपोर्ट पर आ रहा हूँ सर ये बताइए अगला सीजन मैंने बोला भैया मुझे आपको पता चलेगा तो मुझे भी बता देना क्योंकि सो दैट्स द थिंग करेक्ट है बट कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपने प्ले किया एंड यू वांटेड पीपल टू वॉच इट बट लोगों तक नहीं पहुंच पाया वो मैं तो हमेशा मुझे तो हमेशा कम ही लगता है यू नो बिकॉज आई ऑलवेज फील कि इस कैरेक्टर में इतना मेहनत किया इतनी बढ़िया तरीके से फिल्म बनी या कैरेक्टर बना बट ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा फॉर इंस्टेंस एक मैंने नेटफ्लिक्स की एक फिल्म की थी अपस्टार्ट्स एंड इट इज़ अबाउट द स्टार्टअप की दुनिया एंड इट हैड लॉट्स ऑफ टैलेंटेड अगेन एंसेंबल कास्ट वेरी गुड एक्टर्स फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बट वेरी गुड डायरेक्टर वो ज़्यादा लोग नहीं देख पाए पर जितने भी लोगों ने देखा दे रियली लव्ड इट उसमें आई प्लेड अ वेरी बिजनेस अ बिग बिजनेस टाइकून्स सन जो बेसिकली एक स्टार्टअप को फंड करता है एंड हाउ बाय द एंड ऑफ इट जो क्या कहते हैं जो फाउंडर है और मेरे कैरेक्टर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट बेसिकली दैट इट शोकेसेस दैट वेरी वेल एंड जैसे मैंने कहा 100 हॉटस्टार में इरा दारा दत्ता रिंकू राजगुरु एंड इट वाज अ ब्रिलियंट शो इनफैक्ट मैं अपनी कज़न की बहन कज़न की वेडिंग पे गया था इन पटना एंड ओवर देयर People had seen Ashram, but एक आंटी थी जिन्होंने बोला कि आपका काम 100 में बहुत अच्छा लगा ऐसे आंटी आप हो फैन because she had seen that yes but कभी ऐसा फील हुआ कि या कोई ऐसा काम किया हो आपने just for relevance never I can't do that I just in fact it takes a lot for me because if not and I act because I can't help it, you know, because there's no other thing that I want to do. Now, obviously, अगर आप एक्टर और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप रेलिवेंट हो ही जाओगे बट रेलिवेंस के लिए तो इनफैक्ट जितने भी मेरे मैनेजर्स रहे हैं वो बोलते हैं राजीव अपना इंस्टाग्राम गेम करो ये करो वो करो पर मैं बोलता हूँ यार मैं हूँ ही नहीं सो मैं रेलिवेंस के लिए सिर्फ रेलिवेंस के लिए कुछ नहीं करूँगा मैं बढ़िया काम करूँगा उससे रेलिवेंट होपफुली हो ही जाएंगे But do you think जब आपके managers कहते हैं social media is a game today, yes, yes, full yes. trend today. तो वो आप कैसे देखते हो यार जितना दिखोगे बिकोगे जितना आप Instagram पे active रहोगे that's totally a game today. It is a game. How do you see that? Because I know that ज़्यादातर in fact there was one friend of mine she portrayed a very happy sort of a image on Instagram right. और मैं उससे फिर मिलने गया 2-3 महीने बाद एंड शी वॉज इन रियल लाइफ इन हर सैडेस्ट फेस राइट तो मैं आई एम वेल अवेयर कि जो लोग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में दिखाते हैं अपनी इमेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज नॉट ट्रू एंड आई एम लाइक यार तो अगर कुछ सो इन दैट सेंस दैट आई एम वेरी
कि यार व्हेन आई नो समथिंग इज फॉल्स आई एम नॉट गोइंग टू प्ले दैट गेम. सो फॉर मी दैट्स इट मैटर्स अ लॉट. यस आई नो कि कुछ कुछ डायरेक्टर्स कास्टिंग डायरेक्टर्स फॉलोइंग देख कर कास्ट करते हैं एंड आई फाइंड वेरी आई डोंट फाइंड इट राइट ओनली बिकॉज अगर किसी के 2-3 million फॉलोअर्स हैं और वो एक्टर नहीं है सपोजिंग इट डजेंट मीन कि वो 2-3 million फॉलोअर्स उसका वेब सीरीज या फिल्म देखेंगे. इट्स नॉट दैट दे जस्ट आर इंटरेस्टेड इन द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन ऑन द पेज. दे केयर अबाउट आई थिंक पीपल जनरली केयर अबाउट कि अगर कास्टिंग सही हुई है they'll watch the thing. Yeah, I remember talking to Rahul Bose about this thing only that ki you know nowadays there's a thing called influencer getting a movie. Yeah. So he's like kis metrics pe maine bola the game of popularity. So he's like are you serious, are you kidding me? I mean if I'm a director I will choose someone who knows acting. Exactly, right? Exactly. But not on the basis of popularity. Wo ek saal kaam aayega. Bilkul na to wo chupta hai kabhi kabhar ki yaar ye. Because, but I think eventually I was speaking to somebody who works for you know one of the top platforms and she said ki finally we are realizing that it doesn't work like that. Yeah. You know, yeah. Because like I said, agar aapke 2 million followers, it doesn't mean ki wo 2 million aapka show, nahi, aisa nahi hoga. But for instance, you know, you've seen Squid Games, Netflix ka ek show tha, bahut hi popular, to Korean show tha. So outside Korea, nobody knows those actors na. But it was the biggest Netflix hit in the world. So then you realize ki yaar agar content agar writing achhi content is a king at the end of the day. It is. Yes. It is. And I think eventually people will realize. I think realization ho raha hai and eventually hoga ki yaar agar aapki writing achhi hai na aap ek acche se limited budget mein acche actors ko lekar kaam kar sakte ho and it will be a hit. Right. Absolutely. Yeah. But Siddharth, for you the kind of roles you always wanted to do. Yeah. Wo roles aaye aap tak? Haan. Ab ye like look at these two only Sitara and Honeymoon Photographer. I am just so thrilled because also because in Sitara I learned her a new skill. So I play a chef ka character, right? So maine zyada time kitchen mein spend nahi kiya because main hamesha boarding school mein raha hu to mujhe cooking karne ka mauka zyada nahi mila. So for this character I trained for 1.5 months at Farzi cafe in Parel. And it was beautiful because I knew ki yaar is film mein I think 5-6 scenes hain cooking ke aur plating ke aur us samay aur wo karte samay acting bhi karni hai. डायलॉग्स भी बोलने हैं, कॉम्प्लेक्स सीन्स हैं. तो मुझे पता था कि अगर मैं इस पर काम नहीं करूँगा ना 2-3 दिन इसी पे चले जाएंगे और लोग बोलेंगे अरे किसको ले लिया, राइट? बिकॉज वो सो आई वॉज फॉर्चुनेट कि माई डायरेक्टर वंदना हु इज ब्रिलियंट, शी इज़ ब्रिलियंट एंड रॉनी स्क्रूवाला सर ही इज़ ऑब्वियसली ही इज़ अ लेजेंड हिमसेल्फ. आई थिंक उन दोनों ने यही ये क्या कहते हैं फर्जी कैफे से हमारा टाई अप किया एंड फॉर 1.5 months आई लर्न हाउ टू कुक cut, chop, slice, like a professional, and plate, shade, and I also worked as a proxy head chef for Farzi Cafe. So, head chef to the thing, I was here next to him, and whatever orders came, I used to read it out for the you know the cooks to prepare. And I remember once I think I was reading out the order, and if the cooks don't say yes, chef, you are meant to shout at them again, ki hello. तुमने सुना ना मैंने क्या बोला टाइप्स, राइट? तो उन्होंने बोला नहीं एक बार दिस गाय सेड दे हैवन सेड यस शेफ राजीव. सो आई वेरी लाउडली सेड द ऑर्डर अगेन एंड सेड यस शेफ. ही सेज या दैट्स द वे बिकॉज़ जनरली अ किचन इन यू नो इन अ होटल और अ रेस्टोरेंट इज वेरी हीटेड, बहुत ही गर्मी होती है नंबर वन एंड इट्स जस्ट लाइक वेरी लाइक बिकॉज़ 1000 orders हैं 1000 चीजें हैं सो इट्स वेरी इतना हाइपर होता है. एंड थैंक गॉड मैंने 1.5 महीना काम किया बिकॉज आई कुड गेट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द शेफ फुली. एंड जैसे वो प्लेट करते हैं वो बड़े मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब वो दुनिया की बेस्ट डिश प्लेट कर रहे होंगे. आपको लगेगा देखें अरे बाप रे कितना 2 घंटे लगाए होंगे बट वो 2 मिनट में ऐसे करते हैं. सो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी एंड आई मस्ट से कि जितने भी मेरे कुकिंग के शॉट्स थे वाइल शूटिंग सितारा वो सब एक टेक में हुए. बट लव सितारा का एक्सपीरियंस कैसा था इन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो विद शोभिता एंड लाइफ चेंजिंग था बिकॉज लाइक आई सेड वंदना हमारी डायरेक्टर इतनी फोकस है अपनी फिल्म मेकिंग को लेकर अपने इतना प्यार करती है अपने फिल्म से और स्टोरी से कि शी एनकरेज्ड अ सेट ऑफ वेरी कोलैबोरेशन अलॉट ऑफ कोलैबोरेशन एंड अलॉट ऑफ यू नो बहुत अच्छी जुगलबंदी थी. एंड सो आई रियली लाइक्ड क्या कहते हैं जस्ट द फैक्ट कि हम सब एक्टर्स वर्क कर रहे थे नॉट फॉर आर सेल्फिश गेन बट फिल्म को बढ़िया करने के चक्कर में. एंड आई थिंक अगर आपका कैप्टन अच्छा है इन दिस केस द डायरेक्टर तो ऑटोमेटिकली सब एक्टर्स एकदम बड़ी फोकस तरीके से काम करते हैं. एंड आई फील
जब पीपल हैव सीन द ट्रेलर एंड दे आर सेइंग कि यार बहुत प्यार से बनी फिल्म लग रही है एंड इट इज़ इट्स बहुत प्यार से बनी है फिल्म और जब आप फिल्म देखेंगे देन यू रियलाइज कि बहुत nuanced emotions and everybody who sees it will identify himself as one of the characters at least or they will say like that we want someone like him I hope so yeah but how was the bond with Shobhita excellent huh? we met first during our workshop the first day and it was very nice because wo bhi grounded hai wo bhi usko bhi acting se bahut pyar hai so it was just nice give and take and just very easy soothing easy yeah, it easy so, I think automatically agar process easy rehta hai na ji process mein maza because everything is about the journey yeah to agar journey aur process pyar se hua hai aur ease se hua to automatically jo aapka final product ya final wo hai goal wo bhi matlab you know it will be like pyar se yes but Rajeev I would like to ask this question to you for the reason there are several reasons jo industry se nahi hote na uske ek struggle alag hoti hai theek hai to main aap se puchna chahungi ki aapke liye kitni tough thi ye journey mein apne aap ko tika kar rakhna and you kept going right you kept doing the projects no matter what you were there so what was one mantra if I can ask that I think perseverance perseverance and ki kyunki mujhe pata tha ki I think it was Naseer sir, he said that agar aap acting ke bina mar jaoge na, tabhi acting karna. So maybe I knew ki bhaiya, main kuch aur, I'm sure I'm capable of doing something else. I was an investment banker. But I think jo andar se jo joy aur jo passion nikalta hai na acting ke liye, I knew that this is it. You know, and how do I can put it into words and all that, but words will fall short ki jo andar se, it's as simple that basically the first time I went on set or the first time I went on stage, I felt ki main ghar aa gaya. I think that was the feeling. Wow. Ki I'm home. Because aap set pe hote ho to itni noise hoti hai generally, right? Lights, camera, yahan par wo chala raha hai, yahan par ye chala rahe hain, sab kuch ho raha hai, chaos hai, set aapke kya kehte hain, shot ke pehle aapka makeup ho raha hai. हजार चीजें हो रही हैं बट स्टिल डिस्पाइट हैविंग नो एक्सपीरियंस आई फेल्ट एट होम सो हेंस आई न्यू कि यार यही है तो डिस्पाइट ऑल द ऑब्स्टिकल्स ऑल द ऑड्स ऑल द मतलब यू नो फेवरेटिज्म आई वाज लाइक नहीं यार मैं अपने क्राफ्ट मैं एक्टिंग से प्यार करता हूँ और मैं स्टेज आई कीप डूइंग थिएटर आई स्टिल डू थिएटर सो उसको पॉलिश करते रहूंगा ऑटोमेटिकली जब अपॉर्चुनिटी आएगी मैं प्रिपेयर्ड होऊंगा सो दैट्स व्हाट आई थिंक इट एंड नाउ यू हैव मेड अ गुड फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री आई हैव डीसेंट फ्रेंड्स नॉट मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री बट जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं बट अप्रोच करते हो रोल्स के लिए अभी मैंने कभी किया नहीं है नहीं जरूरत नहीं बिकॉज़ मैं कर ही नहीं सकता फॉर मी आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि मेरा काम देखकर आप काम दो बिकॉज़ प्रोबब्ली वो मेरा नज़रिया है लाइफ को देखने का कि यार अगर आपको लगता है कि मैं केपेबल हूँ ये रोल करने के लिए आपने मेरा ऑडिशन देखा है आपने मुझ आपसे आपने मेरे साथ एक घंटे की मीटिंग रखी है इफ़ यू फील आई एम राइट कास्ट मी बिकॉज आई नो आई थिंक मेरी प्रॉब्ली कंडीशनिंग है कि मैं चाहता हूँ कि मेहनत से चीज़ें मिले मेरा ये मानना है बट हाँ बट कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि यू हैव बीन रिप्लेस्ड एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो आप तक आई एंड देन आपको नेक्स्ट डे पता चलता है यू आर नॉट देयर No, never so far. Huh? No. That's good. But it's an actor's life. It's very tough, you know. So, मतलब मैं most of the time सुनती हूँ कि this is very common in this industry. It is. That is why you know, आपको acting से you have to be in love with it. In fact, I remember because मैं acting की किताबें workshops करते रहता हूँ और मैं interviews देखते रहता हूँ. So I remember I was seeing one interview of an English actor. उसको एक स्कूल बुलाया गया था टू गिव एक्टिंग स्कूल टू गिव एडवाइस टू यंग एक्टर्स तो जो प्रोफेसर थे उन्होंने उनसे बोला सर प्लीज़ गिव वन एडवाइस टू दीज गाइज यू नो व्हाट इज़ द वन एडवाइस यू वुड गिव तो उन्होंने बोला क्विट फिर सब सन्नाटा बिकॉज अरे भैया ये क्या बोल दिया उन्होंने यार मतलब ये तो इनकरेज करना चाह रहे थे बट ही सेड क्विट ओके सब फॉर हाफ ए मिनट ऑफ साइलेंस एंड देन ही सेड नाउ इफ यू इग्नोर दिस एडवाइस You're already halfway there. So right. then I was like, yeah,
what a brilliant advice, because you will hear no every day. In the beginning, you'll hear no 24 hours. You'll be standing in a line with so many aspiring actors, and therefore you have to be prepared for rejection and no from all corners, and people putting you down and people discouraging you. And how will you be prepared? I feel the only way is if you love it so much. Mm. It's like oxygen for you. So maybe that's what helps. That's the reason, yeah, right? Yeah, of course. Yeah, yeah. But rejection feel hua hai kabhi? Bahut hamesha. Aur self-doubt hota hai uske baad? Pehle hota tha khub. Aur ab self, ab kam ho gaya hai, hopefully. I think kam ho gaya hai. But because I mean, abhi meri do releases hain. And I think jo pehle ka Rajeev tha, वो प्रॉबली बहुत एक्साइटेड होता, बहुत ही ओवर द टॉप होता, बट आई एम जस्ट अमेज दैट आई एम फीलिंग वेरी ईजी एंड रिलैक्सड. या इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड आई थिंक इट्स दिस इज समथिंग आई टू ऑलवेज एडमायर इन एम एस धोनी, कि भाई वो जब क्रिकेट मैच जीतते हैं या हारते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं भाई, है ना. एंड आई टू ऑलवेज बी लाइक, यार ऐसा आदमी होना है, बिकॉज आप मतलब यू नो रडयार्ड किपलिंग ने वो अपनी पोइम इफ में बोला है कि यू नो ट्रीट ट्रायम्फ एंड डिजास्टर जस्ट द सेम. एंड आई वाज लाइक, यार या अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी, आई फील कि अगर बाहर अच्छा हो रहा है तो आप अच्छे मूड में होगे, ख़राब हो रहा है तो आप एकदम नीचे होगे. तो व्हाट्स अप दैट सॉर्ट ऑफ लाइफ. आई ऑलवेज न्यू कि मुझे वैसी ज़िंदगी ना, मुझे अपने अंदर ये काम करना है कि जो भी हो आई कैन एटलीस्ट बी काम एंड कंपोज्ड अबाउट इट. Yeah, because वो पहले rejection बहुत लगता था, अब I think इस वजह से उतना नहीं चुपता. Also you mentioned MS Dhoni, हम झारखंड वालों को अलग प्यार तो है. हाँ हाँ बिल्कुल, है ना, he is from there. तो वो भी एक सीन है. So basically there is another part in Love Sitara, because in Love Sitara you know when you see the film you will see कि he doesn't have a mother in the film because she's passed away, and his father is very strict and very, you know, how sometimes I think back in the day, I think all of us probably have faced it in some way or the other, ki hamare pita wo pyar dikhana chahte hain par wo nahi dikha pate because unki conditioning waisi hui hai kabhi. So and they're very hard on you. So this character's father is very hard on him, and jo bhi karta hai wo hamesha matlab, you know, it's like, haan to theek hai to kar liya na, what's a big deal. So in fact he obviously doesn't respect him because he's a chef. Usne ye chef kya hai, खाना बनाना है तो घर पे बनाओ ना, क्या मतलब अपने आप को तीर क्या समझते हो टाइप, यू नो. सो थ्रू आउट द फिल्म देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिम एंड हिज फादर, एंड इवेंचुअली देयर इज अ ब्रेकिंग पॉइंट वेयर ही कॉल्स अप हिज फादर लुकिंग फॉर सपोर्ट, एंड हिज फादर सेज रादर देन सपोर्टिंग हिम हिज फादर बेसिकली टेल्स हिम कि मैं जानता तुमसे हो ही नहीं पाएगा. मतलब मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग द जिस्ट कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा और सब तुम्हारी माँ की गलती है, राइट. एंड देन द वे ही गेट्स बैक टू हिज फादर दैट यू नो अगेन आई एम गिविंग अ जिस्ट कि ही जस्ट टेल्स देम कि इट्स थैंक्स टू हर दैट आई टर्न्ड आउट ओके, वरना अगर मैं आपकी तरह होता ना माई लाइफ वुड हैव बीन चौपट. सो आई थिंक दैट सीन आई एम ग्लैड दैट आई मीन आई थॉट ऑफ इट बिकॉज it was a very beautiful like emotional intensity, and also because he's not, you know, when you have to show that you are somebody na, that means you're not that, yeah. Basically, right, when yeah. You're confident in who you are then you don't need to show, right. Like a flower doesn't say ki main phool hu, dekho meri achhi sugandh hai, usi sugandh hi achhi hoti hai bhai, right. Absolutely. So in that sense that I'm fortunate that I've got to play this part, because he's so only a man in this case, because I'm playing this character who's confident in himself, who knows ki bhai his stability can't be shaken, can support a woman and her dreams and be supportive and non-judgmental and just, you know, be there like a rock. Only if he's confident in himself. Otherwise, so many, you know, people are so underconfident, so insecure, like, वो कहने के लिए तो कह देते हैं कि भैया हाँ हाँ आप नौकरी कर सकती हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, पर जब whenever the woman starts to work then they have issues. So therefore you have to be a very secure man, absolutely, to be like that. So I think that scene was very brilliant, and I remember actually when you see that scene you'll
तो जब वो सीन खत्म हुआ आई गॉट अप एंड ऑब्वियसली आई वाज इन दैट जोन एंड देन वंदना डायरेक्टर शी वाज सिटिंग ऑन द चेस्ट लाइक बैठो 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 आई सेड नो नो आई सेड डोंट डोंट बिकॉज आई एम अगेन लाइक आई सेड यू नो इट वाज अ वेरी इंटेंस सीन बट द एक्टर इन मी वाज हैप्पी कि वाई यार यू नो कितने प्यार से हुआ एंड आई रिमेंबर आवर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शी वाज आल्सो देयर एंड शी सेड कि राजीव अभी तक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगा है डिजिटल करेक्शन नहीं हुआ है एंड आई स्टिल एंड शी सेड कि यू नो शी हैड टियर्स इन आईज लुकिंग एट द फुटेज ओनली सो मैं बहुत So it is these type of compliments as an actor makes I hope people take away these messages. You know, it's very important. It is, of course. Life. Yeah, yeah, fully, fully. And the whole thing is, it is just about being confident about who you are. Because then you can support everyone. Absolutely correct. But thank you so much for talking to me. And I'm waiting for this show and it goes crazy. I mean, only luck for you, no? Good luck. Thank you so much. Thank you so much for talking to me. It was lovely chatting with you. Same. Always. I miss that day, but fortunate today I had a time and you had a time for me. Yeah, no, 100%. I hope after you watch it, you're like, chalo, ek aur kar lete hain. Hanji, bilkul, bilkul. I'll text you. That time only I will text you that ki bhai, film to, yeah, chik hai. Thank you. But thank you so much for talking to me. Thank you so much. Yeah, thank you.